एंड वेलकम बैक टू एवेंस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। गाइस अब तो ना सारे व्लॉग मेरे तैयार वैयार हो के बढ़िया तरह से आ रहे हैं और डेली रूटीन के व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, मैं अब बनाऊंगी आगे आगे। तो गाइस जल्दी से शॉर्टकट में बताते हैं क्योंकि आगे आगे आप बहुत कुछ देखने वाले हैं व्लॉग। तो गाइस आज फाइनली जा रहे हैं हम लोग अपनी बुआ के यहाँ। छोटी बुआ है मेरी, बुलंदशहर साइड में है, यूपी में। तो बस मेरी बहन आई हुई है, भाई और हस्बैंड, मैं, तो हम सभी मिलके जा रहे हैं बुलंदशहर। शिकारपुर पड़ता है, गांव तो नहीं, कस्बा टाइप है थोड़ा सा। तो वहां पे हम लोग जा रहे हैं आज। और एक्चुअली सबसे खुशी की बात ये है कि मेरे भतीजा हुआ है, जो मेरा भाई है पुनीत, उसके बेटा हुआ है। और पहले बेटी थी उस पर, अब बेटा हुआ है। तो बस आज कुआ पूजन है, तो कुआ पूजन में हम लोग जा रहे हैं, वो फंक्शन कर रहे हैं, तो बस वहीं मैं जा रही हूँ। तो चलिए आज आपको दिखाएंगे अपनी बुआ का घर। पहले भी मैंने ब्लॉग में दिखा रखा है, बाकी बुआ का घर, प्रोग्राम, फंक्शन, न्यू बॉर्न बेबी से आपको मिलवाएंगे और बस वहीं पर इंजॉय करने सभी लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग एंड तक ब्लॉग में बने ही रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। चलिए तो गाइस देखिए ये वाली ड्रेस तो आप लोगों ने पहले भी देखी है, तो फाइनली यही वाला लुक आज सेकंड टाइम मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, वियर की है। तो चलिए, और पार्टी वियर ड्रेस है ये, तो पार्टी के लिए ही मैंने खरीदी थी, अच्छी लगती है काफी। चलिए मैं चलती हूँ और अब दिखाती हूँ अपनी बहन का लुक, सन्नू। तो गाइस देखिए सन्नू ने पहनी है साड़ी। मैंने इसको बोला था तू हैवी सूट पहन ले, बट उसको साड़ी ही पहननी है, तो साड़ी पहनी है सन्नू ने। तो देखिए ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, माई सिस्टर। तो गाइस देखिए भाई तैयार हो गया है हमारा बहुत बढ़िया तरह से, ये भी रेडी हो गया। तो गाइस रीडर साहब हैं, मेरा भाई हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो बड़ी मुश्किल से ये छुट्टी लेके, इसको ज़बरदस्ती बुलाया जाता है, बट इसको ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। तो बस फाइनली आज हम बहन भाई मिल के जा रहे हैं। तो गाइज फाइनली बैठ गई हूँ मैं, और अब गाड़ी में मैं लेकर आई हूँ अपना खाना, तो गाड़ी में बैठ कर ही खाऊंगी। तो चलिए बैठ गए हम लोग, बस जा रहे हैं। तो गाइज जाम लगने लगा है, देखिए अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, कितना नहीं। तो जाम मिलने लग गया है। Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. तो गाइस हम पहुंच गए हैं अभी नोएडा, और शायद मेरे ख्याल से अभी एक डेढ़ घंटा और लग जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अभी हम बुलंदशहर के नजदीक पहुंचे। कौन सी जगह है? बुलंदशहर जी। बुलंदशहर गाइज हम पहुंच चुके हैं बुलंदशहर, और बुलंदशहर में ली है ककड़ी। देखिए ये ककड़ी खा रही है मस्त आराम से, और मैं भी खाऊंगी ये रही ककड़ी। और लिए अंगूर, खाएंगे थोड़े से क्योंकि गर्मी हो रही है, थोड़ी पानी वाले फ्रूट जाने चाहिए अंदर। तो बस अभी ककड़ी खा के फटाफट आधा पौन घंटे में ही पहुँच जाएंगे। गए जी देखिए ताज़ा ताज़ा ककड़ियाँ आ रही हैं अभी, बहुत ही बढ़िया ककड़ियाँ आ रही हैं, आप लोग भी खाइए ताज़ा ताज़ा ककड़ी नमक लगा के। और यहाँ पे इसमें ले लिए हैं अंगूर। तो गए फाइनली पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, बुआ के यहाँ पे। तो गाइस पहुंच चुके हैं और आपको अभी मिलवाएंगे सभी से। भाई मिल गया है, नमस्ते। इधर से कर ले। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस मेरा भाई ब्लॉगर है, आवाज आ रही होगी, मैं वे चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी, फिर भी सुन लोगे आप लोग, आवाज आ रही है। Thank you.
तो गाइस यहाँ पे हो गया है प्रोग्राम स्टार्ट। और देखिए मैं मिलवाती हूँ आज फर्स्ट टाइम अपने चाचा से। तो देखिए मेरे सेकंड नंबर के चाचा हैं, ये मेरे पापा से छोटे। बट लाइव वीडियो चल रही थी, कॉपीराइट इशू की वजह से मैंने लाइव नहीं दिखा पाई क्योंकि सॉन्ग चल रहे हैं और चाचा फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आए हैं आज। तो चलिए बने रहिए आप लोग। तो गाइस मेरा भाई मिल गया है सतीश। हाय, हेलो बोल, हेलो बोल। तो गाइस ये है, चलिए एंट्री कर लेते हैं। भूपाई नमस्ते। नमस्ते भूपा, मिल गई है भूपा। तो गाइस ये हैं हमारे बड़े फूफा जी और ये नोएडा में रहते हैं। तो दो ही बुआएं हमारी, तो ये बड़े हैं और ये छोटी बुआ का घर है। फूफा जी नमस्ते। बैठो बैठो। छोटे भाई, ये तो मेहमान जी हैं। मेहमान जी कैसे हो? तो पहली मुलाकात ही, दूसरी है शादी के बाद। परी हेलो बोलो। गाइस देखिए परी मिल गई है, ये है बड़ी बेटी, अभी इसका ही भाई हुआ है छोटा बेबी। बेबी कहाँ है आपका? अंदर चलो जाएंगे। राम राम जी, राम राम, राम राम सबको, राम राम, राम राम। नमस्ते चाची, चाची नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। गाइस बड़ी बुआ मेरी, रचना बुआ। नमस्ते, बड़े बड़े छोरी आगे आगे बैठो। नमस्ते। तो गाइस पूजा भी मिल गई है, सभी लोग मिल चुके हैं, सभी पूरी फैमिली से मिल चुके हैं और बस अभी खाना वाना खाएंगे और भी मिलवाएंगे आप लोग। रील बन रही है, आयलो बोलो तो आयलो, हाथ तो हलो। ये कह रहे थे फूफा जी की रील बना, फूफा की देखो मेरा भाई पानी दस खा चुका है। तो गाइस ये देखिए, ये है प्यारा सा बेबी, फेस रिवील नहीं करूंगी मैं। प्यारा सा छोटा है, नजर वजर लग जाएगी। तो बस बेबी से मिल रही हूँ मैं अपने भतीजे से। तो यहाँ पे हो गई है छोचक की तैयारी। तो देखिए स्वाति के मायके वाले जो हैं वो लेकर आए हैं छोचक। तो देखिए जो जैसे कि अब बेबी हुआ है मेरे भाई की जो वाइफ है स्वाति, तो वहाँ से उसके पीहर से आए हैं सभी लोग, भैया भाभी सभी पूरे परिवार रिश्तेदार सबके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और सबको छोचक पहनाते हैं, कपड़े लत्ते बर्तन जो भी जिस हिसाब से, मतलब सबको पैसे इस तरह से पूरे परिवार को सबको बांटे जाते हैं। तो यही देखिए चलन होता है हमारे भारत में। देखिए जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, वो तो सब जानते हैं इन सब चीज़ों को
कि किस तरीके से यहाँ पर रीति रिवाज होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो बस इसी तरीके से छोचक लाते हैं और पहनाते हैं पूरे परिवार। तो गाइस गिफ्ट में मिले हैं हमें ये, देखिए हमारे यहाँ यही चलता है। तो ये मिला है थाल और ये मिला है गिलास और ये 50 रुपीज। तो ये सब सभी जो भी परिवार में होते हैं सभी फैमिली मेम्बर्स सबको इस तरह के ये मिलते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं परिवार के सब, मेरे हस्बैंड, चाचा, फूफा जी, मेरी बहन, भाई, सभी लोग, पूरा परिवार जुड़ता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हो रही है कुआ पूजन की तैयारी। तो देखिए इस रीति रिवाज से हमारे यहाँ कुआ पूजा जाता है। तो ये सामान हल्दी, बतासा और
तो यहाँ पे चल रहा है डांस पुनीत के सभी फ्रेंड सर्कल का, और सभी फ्रेंड्स हैं उसके, और चाची हैं ये रेड साड़ी वाली। तो देखिए मेरी तो ये बुआ ही लगती हैं, छोटी बुआ, और वो हैं बड़ी बुआ। तो बस यहाँ पर चल रहा है डांस, और फैमिली वाले सभी और अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग फैमिली को। और बस अब लास्ट स्टेज चल रहा है, ढोल वाले जाने लगे हैं। और देखिए बेटी को आप कितने अच्छे से डांस करती है, दोनों पापा बेटी डांस कर रहे हैं, और खूब परिवार ने मिलके सभी ने बहुत एंजॉय किया, डांस किया बुआ के साथ, बड़ी बुआ के साथ मैंने खूब डांस किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगता है। देखिए परिवार के साथ कभी कभार मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पुराने दिन याद आ जाते हैं, और बहुत याद है कि परिवार से बढ़कर तो क्या है लाइफ में, अकेले अकेले तो सभी रह लेते हैं, लेकिन जब भी कभी मिलें तो बहुत ही प्यार के साथ मिलें, गिले शिकवे जितनी भी शिकायतें हैं वो कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए भूल जाइए, और फुली इंजॉय करिए परिवार के साथ। तो आपको देखिए कितनी तसल्ली मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा आपको। तो बस मैं तो देखिए यही सब करती हूँ, मैं कोई भी गिले शिकवे शिकायतें सब कुछ भूल जाती हूँ जितने टाइम भी मैं परिवार से मिलती हूँ, और फिर बाद की बाद में देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स किस घरों में नहीं होती, सभी घरों में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट सभी चीज़ें हमें भूलनी चाहिए। और यहाँ पर हो गई हमारे जाने की तैयारी, और बुआ मेरी बड़ी वाली पैर छूती हैं, हमेशा इतना सम्मान देती हैं छोटी बड़ी बुआ। गाइस देखिए मेरी बुआ जैसी तो है नहीं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी आज के टाइम में है हमारा परिवार पूरा। देखिए मेरी पियर, मेरा ससुराल, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो बस जाने की हो गई है तैयारी हमारी, और बुआ विदाई कर रही हैं, ये ले जा वो ले जा, इतनी सारी चीज़ें, खाना बांध दिया, बहुत कुछ बांध के उन्होंने रख दिया खाना पीना। तो बस चलिए अब हमारी हो गई है तैयारी चलने की। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो देखिए ये रील्स वीडियो आप वॉच करिए, मेरी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और मेरी बुआ का घर परिवार प्रोग्राम कैसा लगा आपको कमेंट में करिए, बताइए, लिखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू अगेन।